हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं रिंक्स चॉइस चैनल। एक ऐसा चैनल जिस पर मिलती है आपको हर एक वो जानकारी, हर एक वो खबर जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ जिसमें आपका फ़ायदा छिपा है। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और ऐसी जानकारी लेकर जिसे जानना आप ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ नर्सरी एडमिशन की। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, किंडरगार्टन और पहली कक्षा में एडमिशन के फॉर्म आज यानी शुक्रवार से मिल रहे हैं। ये वीडियो मैंने आगे बनाई है तो शुक्रवार निकल चुका है, शुक्रवार से ये फॉर्म मिल रहे हैं। फॉर्म जमा करने की जो आखिरी डेट है वो है 27 दिसंबर। रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर स्कूल पेरेंट्स से 25 रुपये ही ले सकेंगे। प्रॉस्पेक्टस खरीदना वैकल्पिक होगा। ऑप्शन है मतलब प्रॉस्पेक्टस खरीदे या नहीं खरीदे, आपकी मर्जी है। पहली लिस्ट जो है वो 24 जनवरी को आएगी। एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए नर्सरी के सभी स्कूल तैयार हैं। 1709 प्राइवेट स्कूल्स में से 1479 स्कूलों ने अपनी एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी शिक्षा निदेशालय के आदेश पर वेबसाइट www.edudel.nic.in पर गुरुवार देर शाम तक दे दी थी। निदेशालय की वेबसाइट के अलावा अपनी वेबसाइट में भी इन्होंने एडमिशन क्राइटेरिया यानी एडमिशन के क्या क्या पैमाने हैं, क्या रूल्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ ऐलान कर दिया है। ज़्यादातर स्कूलों ने नेबरहुड, सिबलिंग, अलमनाई, गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा पॉइंट्स देकर प्राथमिकता दी है, यानी इन पर फिट होने वाले बच्चों को पसंद के स्कूल में एडमिशन के ज़्यादा चांस है। एडमिशन क्राइटेरिया की पूरी जानकारी देने का आखिरी दिन गुरुवार था। 13 डिस्ट्रिक्ट के 1709 स्कूलों ने गुरुवार शाम तक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट में एडमिशन क्राइटेरिया की जानकारी दे दी। करीब 230 स्कूलों के क्राइटेरिया की वेबसाइट में आना बाकी है। निदेशालय ने एक अधिकारी ने बताया कि अगर जो स्कूल वेबसाइट में जानकारी नहीं देंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नर्सरी समेत केजी और क्लास वन के लिए प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन प्रक्रिया 100 पॉइंट फॉर्मूले पर होंगे, यानी 100 में से जितने ज़्यादा पॉइंट आपके बच्चे को मिलेंगे उसके आधार पर एडमिशन होगा। लगभग सभी स्कूलों ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स नेबरहुड क्राइटेरिया को दिया है। नेबरहुड को ज़्यादातर स्कूलों ने 0 से 3, 3 से 6, 6 से ऊपर किलोमीटर में बांटा है और तीनों के लिए अलग अलग पॉइंट्स रखे हैं। पेरेंट्स से मेरी सलाह है कि पड़ोस के स्कूल में अप्लाई करने की कोशिश करें, ये बच्चे के लिए भी आसान रहेगा। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के फॉर्म सोच समझ कर भरें। एजुकेशन एक्सपर्ट खगेश झा का कहना है कि पेरेंट्स ध्यान रखें कि डोनेशन या कैपिटेशन फीस गैर कानूनी है। अगर आपसे कोई स्कूल इसकी मांग करता है तो शिकायत कर सकते हैं, ये किसी भी तरह की फीस का हिस्सा नहीं है। राइट टू एजुकेशन के तहत कैपिटेशन फीस लेने पर इस फीस के डबल जुर्माने का प्रावधान है। इन बातों का रखें ध्यान। ज़्यादातर स्कूल्स में ऑनलाइन फॉर्म की सुविधा है, लेकिन कुछ स्कूलों में फॉर्म लेने स्कूल जाना होगा। नर्सरी के लिए जो उम्र है वो है 3 से 4 साल, केजी के लिए 4 से 5 साल और क्लास वन के लिए 5 से 6 साल 31 मार्च तक होनी चाहिए। स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए 25 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। प्रॉस्पेक्टस लेना ज़रूरी नहीं है। एक से ज़्यादा स्कूलों में फॉर्म भरें, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें। ओपन और EWS GG कैटेगरी दोनों के फॉर्म भर सकते हैं आप। इन तारीखों को रखें याद। फॉर्म भरने की जो लिस्ट लास्ट डेट है वो है 27 दिसंबर। पहली लिस्ट 24 जनवरी को आएगी। सवाल शिकायत के लिए 27 जनवरी से 3 फरवरी, दूसरी लिस्ट 12 फरवरी, तीसरी लिस्ट 6 मार्च। डॉक्यूमेंट क्या क्या रखने हैं आपको? माता या पिता में से किसी एक के नाम का आधार कार्ड, माता या पिता के नाम का राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, बच्चे या उसके पेरेंट्स कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, किसी भी पेरेंट के नाम का वोटर आईडी कार्ड, किसी भी पेरेंट या बच्चे के नाम का टेलीफोन बिल, पानी का बिल, पासपोर्ट। तो कैसी लगी आपको जानकारी ज़रूर बताइएगा। कुछ पूछना चाहते हैं एडमिशन से रिलेटेड, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स से। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके सवालों के आधार पर आगे हम वीडियोस भी लेके आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आपके बच्चे का नंबर ज़रूर आ जाएगा जिस स्कूल में आप चाहते हैं। मैं कहूँगी कि उसी स्कूल में आपका नंबर आए, ईश्वर करे कि उसी स्कूल में आपके बच्चे का नंबर आए जिसमें आप चाहते हैं, क्योंकि स्कूल बच्चे की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और मतलब कि स्कूल, अगर अच्छे स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो पूरी लाइफ अच्छी हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है आज के जीवन में। ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं है। तो आपके सपने साकार करने के लिए अच्छे स्कूलों में बच्चों को अच्छी पढ़ाई करना ज़रूरी है और बेहतरीन तरीके से उनकी पढ़ाई के लिए बेहतरीन स्कूल में जाना भी ज़रूरी है। तो इसी तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी रिंग्स चॉइस चैनल पर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।